ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, लेक्चर 5 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। बस इतने ही क्वेश्चन, नंबर 8 तक क्वेश्चन करने हैं, इससे आगे नहीं करने हैं, आपने छोड़ देने हैं सारे। तो अब एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज 2 से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, थ्रू आउट चलती जाएंगी और इन्हीं की बेसिस से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आप, ये चीज़ें हमने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए तो इंशाल्लाह जो है ना अच्छी समझ आ जाएगी। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेकेंड थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये जो है साइन का उल्ट कोसेक है, कॉस का उल्ट सेकेंड है और टेन का उल्ट क्या होगा? कॉट। इसके बाद आपने ये क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, ये ज़ीरो, ये पाई बाय टू या फिर 90 डिग्री भी कहेंगे, ये पाई या फिर इसको 180 डिग्री कहेंगे, ये 3 पाई बाय टू या फिर 270 डिग्री कहेंगे और ये जो है ये ज़ीरो भी कहेंगे, 2 पाई भी कहेंगे या फिर 360 डिग्री भी कहेंगे। ठीक है, कहेंगे यहाँ से स्टार्ट करें ना तो तब ज़ीरो होगा, जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे तब 2 पाई या 360 डिग्री होता है। अब ये वैल्यू रेडियन में होती है और ये डिग्री में होती है, मैंने दोनों लिख दी है। ठीक है, मैंने रेडियन वाली वैल्यू भी लिख लिया और डिग्री वाली भी, आपने दोनों याद रखनी है। अब हमने बताना है कि ये वैल्यू जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कौन से क्वाड में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड में नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी सिक्स के सिक्स फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब सेकंड में साइन थीटा और इसका उल्ट जो है कोसेक थीटा, सेकंड में साइन थीटा और इसका उल्ट कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन, ये दोनों पॉजिटिव होंगे,
और बाकी चारों सेकंड में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोबारा सुन लें, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और सीकेंड थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी यहाँ पे क्या होंगे, सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है, क्लियर है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, पहला ज़ीरो, पाई बाई टू यहाँ फिर 90, पाई यहाँ फिर 180, 3π/2 यहाँ फिर 270 डिग्री, तो इसको 2π यहाँ 360 डिग्री भी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ पे सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं, तो देखें ज़रा, मैं इसको इसको साइड पे बनाता हूँ, आपको समझ आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेकेंड थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा ये आ गए, ज़ीरो, पाई बाई टू यहाँ 90 डिग्री, पाई यहाँ फिर 180 डिग्री, 3π/2 यहाँ फिर 270 डिग्री, ये 2π यहाँ फिर 360 डिग्री, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में जो है वो कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव, बाकी यहाँ पे नेगेटिव हो, ठीक है। इसको मैं रेज करने लगा हूँ, वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्सरसाइज आप निकालें, एक्सरसाइज 9.2, वो कहते हैं फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, साइन 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री, आप अगर इसका एंगल बना लें ना, ये क्या है, ज़ीरो, 90 डिग्री, ये ज़ीरो, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हमने कौन सा ग्राफ बनाना है, 160 जो है वो 180 से थोड़ा सा पीछे होगा, हमने स्टार्ट ज़ीरो से ही करना है, यानी कि देखें स्टार्ट हम ज़ीरो से ही करेंगे, 160 इससे 180 से थोड़ा सा पीछे होगा, यानी कि यहाँ पे होगा तकरीबन, एस्टिमेटेड आपने एग्जैक्ट नहीं वैसे बता रहा हूँ, 160 यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये एंगल क्या आ गया हमारे पास, 160 डिग्री आ गया। अब ये देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, तो आपने लिखना है प्लस प्लस साइन 160, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे होगा। ठीक हो गया, बस इतना सा काम है। सेकंड पार्ट देख लें कि वो कहता है कॉस 190 डिग्री, कॉस 190 डिग्री वन, पहले आपने एंगल बनाना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपने उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन की वैल्यू देख लेनी है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो बस जस्ट आपने साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है। तो पहले आप एंगल बनाएं, ये एंगल बन गया 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree, ये आ गया। अच्छा जी, क्या बनाना है हमने? 180 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे 190 डिग्री बन रहा है, स्टार्ट यहाँ से करना है। ये हमारे पास 190 डिग्री आ गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? टेन है, कॉस तो फोर में है ना, तो थर्ड में कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपने कहना है कि माइनस कॉस 190 डिग्री, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। एक और देख लेते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल कुसीक 297 डिग्री, लास्ट पार्ट है कुसीक 297 डिग्री। अभी देखिए 297, पहले ग्राफ बनाए आप, ये 0, ये 90, 180, 270 और ये क्या बन गया? 360 बन गया। अच्छा जी, अब 270 है, 270 के आगे थोड़ा सा होगा, यानी कि यहाँ पे बन गया, यहाँ से शुरू करना है आपने। ये हमारे पास एंगल कितना है? 297 डिग्री, ये एंगल है। अब कौन से क्वाड्रेंट पे है? फोर्थ में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेकेंड, तो कोसेक यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपने लिख देना माइनस कोसेक 297 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलें जी, क्वेश्चन नंबर टू है, 9.2 एक्सरसाइज। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, इससे पहले देखें, आपने याद रखना है कि कॉस के एंगल में नेगेटिव आ जाए या फिर सीकेंड के एंगल में नेगेटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव जब बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव बाहर आता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, ये भी प्लस सीकेंड थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉस जस्ट कॉस और सीकेंड में के एंगल में नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। बाकी चारों में अगर किसी के भी एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव ही बाहर आता है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, टेन
माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, ये आ गया हमारे पास। बस आपने सिंपल किया, याद रखते हैं कि कॉस और सीकेंट में नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी किसी के भी एंगल में नेगेटिव आए, बाकी चारों में से किसी के भी एंगल में नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव ही बाहर आता है। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में वो लिखा हुआ है साइन माइनस थ्री टेन डिग्री, साइन माइनस थ्री हंड्रेड टेन डिग्री। अब ये साइन के एंगल में नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आपने वो डॉट्स की जगह क्या लगाना है, माइनस साइन 310 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कॉस माइनस 75 डिग्री, फर्स्ट कॉस माइनस 75 डिग्री, तो ये कॉस के एंगल में नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस 75 डिग्री। थर्ड क्या होगा, टेन माइनस 182 डिग्री, टेन माइनस 182 डिग्री, तो ये टेन के एंगल में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या होगा, बाहर आ जाएगा 182 डिग्री। उसके बाद फोर्थ वाला क्या होगा कि कॉट माइनस 173 डिग्री, कॉट माइनस 173 डिग्री, तो कॉट के भी एंगल में नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है 173 डिग्री। फोर वाला, फाइव वाला सॉरी, सेकेंड माइनस 216 डिग्री, माइनस 216 डिग्री, तो सेकेंड के एंगल में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकेंड 216 डिग्री। अब सिक्स वाला पार्ट क्या होगा कि कोसेक माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री, कोसेक के एंगल में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, बाहर आके नेगेटिव होते ही रहेगा 15 डिग्री। तो बस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू था, बिल्कुल सिंपल। यानी याद रखना है कि कॉस और सेकेंड के एंगल में नेगेटिव है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, और बाकी चारों के एंगल में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आगे क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टू था। अच्छा जी, अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अगर देखें हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट करें साइन अगर ले लें हम, साइन फंक्शन साइन थीटा, वो साइन थीटा दो जगह पे पॉजिटिव होता है और दो जगह पे नेगेटिव होता है, यानी कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट में और सेकंड में, और नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, थर्ड में और फोर्थ में, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, ऐसे ही है ना। अब फर्स्ट कर लें हम कॉस ले लें, कॉस फंक्शन ले लें, कॉस भी एट अ टाइम दो जगह पे पॉजिटिव होता है और दो जगह पे नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कॉस को लें वो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम टेन ले लें, टेन थीटा, तो वो क्या होगा हमारे पास, टेन फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होगा,
सेकेंड में और थर्ड फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन जो है फर्स्ट में और थर्ड में नेगेटिव, सेकेंड और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में जस्ट यही बताना है, उसने फंक्शन दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये कैसे पता चलेगा, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन, वो कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री, साइन थीटा लेस देन जीरो एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। जीरो से लेस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है, साइन थीटा अगर जीरो से लेस है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव है, साइन अगर जीरो से लेस है तो इसका मतलब क्या है, साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि माइनस साइन थीटा वो आपने साथ लिख ले लें, एंड कॉस ग्रेटर है तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस कॉस थीटा। अब इसको आपने ये राफ में आपने क्वाड्रेंट बना लेना है, राफ में क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में, यहाँ पे टिक कर लेना आपने, दोबारा सुन लें, साइन लेस है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव, कॉस ग्रेटर है तो इसका मतलब कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। अब देख रहे हैं साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव है ना, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में, यहाँ पे आपने टिक कर लेना है। उसके बाद कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में, यहाँ भी टिक कर लेना आपने, ये देखना है यहाँ ये कहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे टिक कर लेना है दोनों जगह, ये हमने देखना है पॉजिटिव कहाँ का है वहाँ पे टिक कर लेना है। तो देखें दो दफ़ा टिक किस में आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाए इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाती है आपको, सेकंड ले लें थर्ड ले लें, टेन थीटा लेस देन जीरो एंड कॉट थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, टेन थीटा लेस देन जीरो एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। टेन लेस है तो टेन क्या हो गया, नेगेटिव, एंड कॉस ग्रेटर है तो कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी आप रफ में बनाएं, क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएं, देखें जरा टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, टेन नेगेटिव, टेन पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव हो गया, हमने टिक कर लिया। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में और फोर्थ में, तो ये भी किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास आंसर। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स पार्ट इसका, कॉस थीटा लेस देन जीरो एंड टेन थीटा लेस देन जीरो। कॉस थीटा लेस है तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव,
टेन लेस है तो इसका मतलब टेन भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, दोनों नेगेटिव आ गए। आप देखिए ज़रा, ये वैसे तो रफ में जैसे बनाना है आपने, इसका कोई तल्लक नहीं। कॉज नेगेटिव है, का पहले देखें पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फिर देख लिया करें नेगेटिव, बाकी जो बचेंगे वो नेगेटिव, वहाँ पे नेगेटिव होगा। कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, और सेकंड और थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब टेन देखें, टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में क्या होगा फिर, नेगेटिव होगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो यहाँ पे लिख लें थीटा लाए इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा जी ये था लेक्चर 5, उम्मीद है आप अच्छे से करेंगे इसको, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे।